सत श्री अकाल जी। आज पढ़ते हैं जी श्लोक बाबा शेख फरीद जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पहला श्लोक है जी, जित दिहाड़े धन वरी, धन मतलब जीव स्त्री, जिस दिन जीव स्त्री ने बरे जाना है, बरी मतलब बरे जाना, ब्याहे जाना है। ब्याह किसका सिंबल है, प्रतीक है मौत का। ब्याह जिस तरह ब्याह हुंदा है स्त्री का, वो अपने पति नाल ब्याही जाती है। इत्थे स्त्री है जीव मनुख, ते पति कौन है परमात्मा। परमात्मा नाल जो मिलाप होना, ब्याह होना, मीन इत्थे प्रतीक की है बरी मतलब मर जाना, ठीक, चुनी जाएगी। जित दिहाड़े तन वरी साहे लय लिखाए, साहे मतलब उस दिन का नियत समा, वो पहला ही लिखा जा चुका है। जिस दिन साड़ी मौत होनी है वो दिन पहला ही लिखा जा चुका है। मलक जो कन्नी सुनी दा, मलक मतलब जो मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता जिस बारे असी कन्ना राही पहला ही लोगों को सुनिया होया सी, मुंह दिखा ले आए, वो हुण आके अपना मुंह दिखाता है। इस श्लोक विच ना फरीद जी ने लाड़ा ते लाड़ी के प्रतीक वरत के, ब्याह के प्रतीक वरत के वह मौत वाली घटना बयान किया है कि असी एक दिन इतों जाना ही जाना है। जिंद निमाणी कढ़ीए, जिहड़ा मौत का फरिश्ता है वह की करता है, साढ़े शरीर विचों जिंद मतलब जान कढ़ लैंदा है। जिंद मतलब जान शरीर विचों कढ़ लैंदा है। किस तरह हड्डा को कड़काए, साड़ियां हड्डियां नूं कड़का के, हड्डियां को कड़काएगा मतलब इत्थे आ कि साडे शरीर नूं रोगां आदि नाल निताणा करके, कमजोर करके, किसी ना किसी बहाने साडे शरीर विचों जान नूं कढ़ लैंदा है। कौन? मौत दा फरिश्ता। साहे लिखे ना चलणी, ते ओ जिहड़ा दिन आ नियत समां आ जदों तुहाडी मौत होनी आ, उस दिन लिखे ना चलणी, किसी दी पेश नहीं चलणी। जिंद को समझाए, तू अपनी जान नूं, हे मनुख अपने आप नूं ये गल समझा कि उस दिन किसी दी पेश नहीं चलनी, वह गल होके रहेगी। जिंद बहुटी, जिहड़ी साडी जान आ वह की आ, बहुटी आ। जे ब्याह दे प्रतीक की गल करिए, ब्याह दे रसम नाल उस हिसाब नाल असीं प्रतीकां की वरतों कर रहे हैं, जिंद की आ बहुटी आ। मरन वर तो जिहड़ी मौत की आ वर आ, लै जासी परनाए, परनाए मतलब ब्याह के, तो जिहड़ी मौत आ साडी जान नूं ब्याह के लै जाएगी, अपने नाल लै जाएगी। अपने हथी जोल के कह गल लागे ताए, भी हे शरीर, हे इंसान, तू आप ही अपने हथी जान उस मौत रूपी वर नाल ब्याह देगा, तोड़ देगा, देवेगा, तो फिर कह गल लागे ताए, तो फिर तू किस दे गल लाग के अपना दुखड़ा सांझा करेगी, ठीक है ना। कह गल लागे ताए, अपने हथी जोल के तू आप ही अपनी जिंद नूं जदों तोड़ देंगी, तो तू तू किसे दे नाल लग के अपना, किस दे नाल लग के अपना दुख सांझा करेंगी। कह गल लागे ताए, ठीक। बालों निक्की पुल सलात, पुल सलात का मतलब है पुल सिरात। एक सिरात नाम का पुल है, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾਤ ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੁੱਲ ਸਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਠਿਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵਿੰਦਈ, ਕੀੜੀ ਭਵਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ,
अगे जाके तेरे नाल आहा आहा कुछ होना आ, तू हुणे ही अपने आप नूं सवार लै ते खड़ा ना आप मुहाए। ठीक, तू अपने आप नूं ठगा ना कि कोई गल नहीं एंजॉय करदे आ, कल दी कल देखी जाएगी, इस तरह नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। ये श्लोक इंपॉर्टेंट आ। इस श्लोक के बेस से भी क्वेश्चन आया हुआ आ कि फरीद जी ने ब्याह के प्रतीक वरत के इंसान नूं मौत का एहसास करवाया, ते मौत के कंसैप्ट के उत्ते भी तुसी इस श्लोक दियां दो लाइनां लिख सकते हो। अगे चलते हैं जी। फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी, कि उस परमात्मा के दर की दरवेशी है जिहड़ी, ठीक, वो की आ गाखड़ी, औखी आ, वो बहुत औखी आ, आसान नहीं। ठीक है, चला दुनिया पथ, ठीक है ना, ते भांत भांत की दुनिया की है, ते दुनिया वांग, पथ का मतलब इतने भांत नहीं है, पथ का मतलब इतने वांग आ, ते दुनिया वांग, होर दुनियादारा दे वांग चला दुनिया पथ, भी मैं भी की हाँ की किया होया आ, बन उठाई पोटली, अपने सिर के उत्ते पोटली चक्की हुई है। किस चीजा की पोटली? विषय विकारा की पोटली, भी इस दुनिया के इस संसार के साडे जीवन के जो असी मौज मस्ती लीन आ ना, तो वह जी अपने स्वादा की पोटली असी चुक के तुर रहे हाँ, तो कितने वंजा घत, ठीक है ना, वंजा मतलब भी ये पोटली सुट के, वंजा वंजा मीन जावा, कत मतलब सुट के, भी ये पोटली सुट के कितने जावा मैं। ठीक, इतने असली कहने का मतलब यह आ कि परमात्मा की जिहड़ी आ बंदगी करनी सानू चाहीदी आ, पर वह औखी आ, ते इंसान की है चगले स्वादा के पिछे लगा होया आ, ते यही स्वादा की पोटली, यही विषय विकारा की पोटली चक्की फिरदा आ। ठीक है जी, ठीक है, पोटली मतलब निक्की जही गंड, निक्की जही गंड जिहड़ा सिर ते चक्की दी ना पोटली, वो आ जी। ठीक है जी, किजना बूझे किजना सूझे, दुनिया गुजी पा, जिहड़ी दुनिया आ वो एक गुजी हुई की आ, पाह पाह मतलब अग्नि आ, अग आ, तो इस दी सूझ बूझ किसी ने करनी आसान नहीं है, कोई इसनों समझ नहीं सकता, दुनिया गुजी अग है। फरीद जी कहते हैं किसी नूं ये गल बुझी नहीं, समझ नहीं आती, पता नहीं लगती, तो कोई इसनों सूझी, सूझी मीन गुजी, तो सूझी सूझी मतलब समझ आनी है ना, बुझे समझ आती, पता लगना। ठीक, तो किसी नूं इसका पता नहीं लगता, कितना ही समझ आती है। बुझना मतलब जिहड़ी चीज छुपी हुई है उसका पता लगाना, सूझना मतलब उस बारे जानकारी प्राप्त करनी, उही गल होगी बुझना सूझना। साईं मेरे चंगा कीता, नहीं तो हम भी दंजा आह, हम भी मतलब मैं भी, इस साईं ने उस परमात्मा ने चंगा कीता, मेरे ते मेर भरिया हाथ रखिया, ते मैनू इस पापा की पोटली तो बचाई रखिया, नहीं तो मैं भी यह विषय बकारा दी, नहीं तो हम भी मतलब मैं भी दंजा, दंजा मतलब दंजा आही मतलब इस विच सड़ जाता, आही मतलब हम भी मतलब मैं, हंजा आही मतलब इस विच सड़ जाता, किस विच सड़ जाता, विषय बकारा दे विच, ते मेरे साईं ने मैनू बचा लिया। इत्थे पोटली की गल हो रही है, पोटली कि विषय बकारा की पोटली, जिहड़ी दुनियावी रस आ, दुनियावी स्वादा की पोटली। ठीक, किज ना बूझे कुछ ना सोचे, दुनिया गुझी पा, दुनिया गुझी अग्नि आ, यह गुझी अग्नि जिहड़ी सानू साड़ी जा रही है, क्यों, क्योंकि बाहरों देखने चंगी लग रही है, यह विषय विकार बाहरों देखने चंगे लग रहे हैं, तो किसी इस गल की समझ नहीं है कि किसी सूझ बूझ नहीं इस बारे, तो वह इन्होंने ही गलतान आ, पर जो मेरे परमात्मा ने मेरे से मेर भरिया हाथ रखिया तो मैं बच गया, नहीं तो मैं भी दंजा आह, दंजा आह मतलब मैं भी इस की है, देखो दंजा आह का मतलब मैं भी इस विच सड़ जाना। ठीक है जी, फरीदा जे जाना तिल थोड़े थोड़े संभल बुक परी, भी जे मैनू पता हुंदा कि इस
शरीर रूपी भांडे विच तिल थोड़े आ। इतने तिल का प्रतीक किस लिए वरत्या? सवासा लई। ठीक, जे मैनू पता हुंदा कि जिंदगी दे सवास लिमिटेड आ, सारी मतलब कि मैं सदा लई इस दुनिया च नहीं रहना, किसी ना किसी दिन जाना आ, तां संभल बुक परी तो मैं इन्हां जिहड़े सवासां दा इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करदा। संभल बुक परी, इन्हां तिलां नूं संभल के इन्हां दी बुक भर के इन्हां दा यूज करदा। मीनिंग की है कि अपनी सवासां दा, अपनी जिंदगी दा टाइम दा, लिमिटेड टाइम दा यूज मैं सही तरह करदा। जे जाना सौ नडड़ा, जे मैनूं पता हुंदा कि जिहड़ा मेरा सौ आ, मेरा रब आ, मेरा प्रीतम आ, इह की आ बाल सुभाव वाला है, मतलब कि भोलेपन नूं लाइक करता है, भोलेपन नूं पसंद करता है, तां थोड़ा माण करी तां मैं अपने आप ते इन्ना हंकार ना करदा, क्योंकि मैनूं पता हुंदा कि परमात्मा की दरगाह विच की आ भोलेपन नूं रिस्पैक्ट मिलदी, भोलेपन का आदर हुंदा, भोलेपन का सन्मान हुंदा, भोलेपन नूं रिकॉग्नाइजेशन मिलदी आ, तां मैं हंकारी ना रहिंदा। ठीक, जे जाना लड़ सिजना, भी हे परमात्मा, जे मैनूं पता हुंदा कि इस दुनिया के विषय विकारां विच पै जाण करके ये जिहड़ी विषय विकारां की पोटली आ ना, इहनूं चुकी मतलब हमेशा चुकी रहण करके लड़ सिजना, तेरे नाल जे जिहड़ा मेरा पल्ला आ बॉन्डिंग आ उह टुट जाणा आ, तां मैं की करदा? पीढ़ी पाई गंढ, तां मैं तेरे नाल गंढ, तेरे नाल जिहड़ा अपना साथ आ उहनूं पक्का करदा, ना कि विषय विकारां विच फसिया रहिंदा। तै जेवड़ मैं नाहीं, ठीक है ना, को सब जग डिठा हंड, मैं सारे संसार नूं फिर के देख लिया आ। ठीक, ते तै जेवड़ मैं नाहीं, भी तू परमात्मा बहुत वड्डा आ, तेरी बराबरी मैं नहीं कर सकता। ठीक, तो तेरे वर्गा साथी मैनू नहीं मिल सकता, इसलिए मैनू तेरे साथ की लोड़ आ। तै जेवड़ मैं नाहीं, को सब जग डिठा हंड, हंड के मतलब फिर के देख लिया आ, कि तेरे जिड्डा नहीं मैं हैगा, भी तू परमात्मा बहुत वड्डा आ, ते मैनू तेरा साथ चाहिए। फरीदा जे तू अकल लतीफ, हे फरीद, जे इंसान नूं कह रहे फरीद जी कि जे तू अकल लतीफ, तू ज्ञानवान है, तेनू समझदारी आ, ठीक है, पढ़िया लिखा है, ज्ञानवान है, काले लिख ना लेख, ते तू दूसरिया दे काले लिख लेख नूं लिखना, मतलब दूसरिया दियां कमियां नूं कढ कढ के ना दस बहुतियां। काले लिख ना लेख, आम तौर पर की हुंदा ना, जिहड़े थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं दूसरे की गलतियां कढ कढ के बहुत खुश हुंदे आ। ठीक, तो फरीद जी उन्होंने कहें, उन्होंने अहसास कराते कि तेरा फर्ज आ कि अपने गिरीवान में सिर नीवा कर देख, तू अपने अंदर अपनी बुकल विच गिरीवान विच अपने अंदर छाती मार के देख, ते सिर नीवा कर वेख। सिर नीवा का मतलब हलीमी भर के अपने अंदर अपने अवगुणा देख, ते अपने अवगुणा दूर करने की कोशिश कर, ना कि दूसरिया की नुकचाती नहीं कर। ये फरीद जी कह रहे कि इनू सो कल्ड जो पढ़िया लिखा अपने आज बहुत अक बनता कि हाँ भी दूसरे की गलतियां कड़ता है। फरीदा जो तैं मारन मुखियां, भी जिहड़े तेनू नुकसान दे रहे हैं, मुखियां मारना मतलब तेनू दुख पहुंचा रहे हैं, तिन्हों ना मारे कुम, तू परत के उन्हां ते वार ना कर, तू परत के बदला लैण की कोशिश ना कर। की कर? अपने घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम, तू अपने दुखियां दे भी पैर चुम के भी उन्होंने कुछ उच्चा नीवा वर्ड नहीं बोलना, शब्द नहीं बोलना, उन्होंने भी सत्कार देना, ते अपने घर जाके मीन अपने अपने घर जाके मीन अपने घर विच मतलब शांत अवस्था विच जाके अपड़ जा। अपने घर का मतलब यह नहीं कि अपना पक्का इटा वाला घर, यह मतलब कि अपनी शांत अवस्था विच आ जा, अपने घर विच शांत अवस्था विच आ, उत्थे अपनी शांति विच अपने मन नूं टका, ते दूसरियां नूं एक हिसाब का माफ कर दे। यह भी कंसैप्ट है ना कि जो असीं किसी नाल एंगरी हुंदे आ ते असीं दूसरे नूं दुख देने की बजाय अपने आप नूं ज्यादा जलाउंदे आ, ते जदों तुसीं दूसरे नूं माफ करता ते अपने आप च मन की शांति प्राप्त की, शांत अवस्था विच आ गए। फरीदा जां तो खट्टण वेल, जदों उस परमात्मा का नाम जपण का टाइम सी, बंदगी करन दा टाइम सी, समा सी, तां तू रत्ता दुनी सी, तां उस समय तू रत्ता मतलब पूरा गलतान सी, रत्ता होया, रत्ता मी आ देखो रंगिया होया, इस दुनिया के कमां विच तू लगा होया सी, मी विषय विकारा च पिया सी। मर्ग सवाई नी है, मर्ग सवाई नी, ते जिहड़ी मर्ग मतलब मौत, सवाई मतलब बाधी गई,
तो मौत की नींह पक्की होंदी गई। जहां भरिया तो लद्दिया, तो जदों तेरे श्वास भर गए तो फिर तू लद्दिया इथों चला गया। ठीक है ना, मैं तू टाइम रहिंदे ही परमात्मा की बंदगी नहीं की, तो दुनिया के कमां विहारां च लगा रहा, विषय विकारां च फसिया रहा, तो अपनी मौत की नींह पक्की होंदी गई तेरी, तो फिर टाइम आया तो तू इथों चला गया, मौत हो गई। अगे आज देख फरीदा जो थिया, देख फरीद भी ये इंसान देख जो हो गया है, जो थिया मतलब जो हो गया है, की हो गया है, दाढ़ी हुई पूर, हुण तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, पूर मतलब चिट्टी हो गई है, हुण तेनू बुढ़ापा आ गया है। अगे नेड़ा आया, अगे मी मौत वाला अगला टाइम वह हुण तेरे कोल आ रहा है, ते पिछा रहा दूर, तो जो तू जमया सी वह सारा टाइम की है पिछला पासा, तेरा पिछली एज, पिछला तेरा उम्र वह हुण दूर रह गई है, जवानी वाला टाइम, बचपन का टाइम निकल गया, हुण तेरे वल की आ अगला अगा मतलब मौत वाला टाइम आ रहा है। अगे अगले पास्यों देख फरीदा जे थिया शक्कर कोई विश, देख फरीदा ये इंसान देख जे थिया जो कुछ होया है, की होया है, शक्कर कोई विश भी तेरी हुण जो उम्र वड्डी हो गई है, तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, तेरा शरीर हुण दुनिया के आज मिठे पदार्थ आ, शक्कर कोई विश ये तेरे लिए की है हुण जहर लई, जहर के बराबर आ, क्योंकि हुण तू ये चगले स्वादा का आनंद नहीं माण सकता, क्योंकि तेरे शरीर में वो वाली गल नहीं, वो तू हुण मिठे नू नहीं पचा सकता, ते ये तेरे लिए की है, तेरे लिए हानिकारक आ। हुण बुढ़ापे स्टेज की गल हो रही ना, साईं बाजो अपने तो उस परमात्मा तो बगैर वेदन कही है किस, ठीक है ना, भी ये तेरा दुखड़ा आ बुढ़ापे वाला अवस्था में आ गया, जो तू ते तू बंदगी की नहीं, ठीक, तो हुण तू इतों शरीर इतों दुनिया तो जाना आ, तो इस सारे दुख की व्यथा तू किसनू दसेगा, उस परमात्मा, यह परमात्मा ही है जिहड़ा तेरे दुख तकलीफ सुन सकता। फरीदा अखी देख पतीनिया, भी ये इंसान दुनिया के रंग तमाशे देख देख के तेरी अखा हुण पतलियां हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापे की गल हो रही ना, सुन सुन रीणे कन, ते दुनिया के जेडे अपने दुनिया के रंग तमाशे इन्हों माण माण के है ना सुन के तेरे कन भी की हो गए, वह हुण बोले हो गए, नहीं तेरे शरीर में हुण अखा भी कमजोर हो गई, कन भी कमजोर हो गए, तू इन्हां दा जवानी वेले पहला तो बहुत आनंद माणिया, पर हुण यह भी जवाब देने लग गए, ठीक, ये बेसिकली नाश मानता के सारे सिंबल आ। साख पकेंदी आया, हुण तेरा टाइम आ गया मौत का, होर करेंदी वन, ठीक है ना, होर करेंदी वन, ते पर होर करेंदी वन, ते हुण की है जिहड़े रंग आ होर हो गए, होर करेंदी वन, शरीर ने हो वन मतलब रंग, हुण शरीर ने होर ही रंग बटा लिया, हुण शरीर पहला वर्गा नहीं रहा, ते हुण तेरा साख पक गया, हुण तेरा इत्थों जाण दा टाइम आ गया। फरीदा काली जीनी नाल आ विया, जदों तेरी दाढ़ी काली सी, मीन जवानी दा टाइम सी, उस वेले तू ना रा विया, उस वेले माणिया, तू उस वेले उस परमात्मा दा नाम नहीं त्याया, ठीक है ना, काली मतलब जो तू जवान सी, जो तेरी दाढ़ी काली सी, उस वेले तू उस परमात्मा दा नाम नहीं त्याया, तौली आ रावे कोई, तो जो तू हुण बजुर्ग हो गया, बजुर्ग हो जाएगा इंसान, बुजुर्ग हो जाता है, वो दाढ़ी की है चिट्टी हो जाती है, तौले आ गए वो, तो उसना कोई विरदा ही रब नूं त्यौंदा है। कर साईं स्यों पिरहड़ी, तू उस परमात्मा दे नाल प्यार पा, पिरहड़ी मतलब प्यार पाउणा, साईं मतलब उस परमात्मा दे नाल रंग नवेला होए, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्यार की है हमेशा नवेला रहिंदा है, ये वाला प्यार की है वो घटदा नहीं, यही सदीवी है, ठीक है, हमेशा नवा रहिंदा है। चलो आज लई इन्ना ही रहन दिंदे आ, 12 श्लोक हो गए साढ़े, बाकी नैक्सट क्लास में करांगे। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल।